जहां बाएं आ गया तो उसका उसका दादा भी आ जाता है, बहन भी आ जाता है, पोती भी आ जाता है और सब मिलकर के क्या हो जाता है, वोट करता है। क्या वोट करता है, क्या वोट करता है, सभी मैं राइट हो, मैं राइट हो, मैं ठीक हो, मैं ठीक हो, मैं कहता हूँ वही मानना है, मैं जो बोलता हूँ उसी को सुनना चाहिए, मैं जैसा करता हूँ वैसे ही आपको रहना चाहिए। ये सब अंदर एक दूसरे का फ्रेंडशिप होता है, एक एक दूसरों का एकता होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा को आप में यूनिटी होना है, डिवाइनिटी होना है। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं कि क्रोध का यूनिटी हो। राजयोग का मतलब सभी का ध्यान इस पर रहे, जो साइड सीन चल रहा है उसको नहीं देखना है, इधर चलना है। बाबा क्या बोलते हैं, बाबा क्या बोलते हैं, अंदर अगर आत्मा का शक्ति डिस्चार्ज है तो ऐसा वो भी चार्ज हो जाए। अंदर आत्मा का शक्ति डिस्चार्ज है तो सभी क्या हो जाता है, चार्ज। अब एक बार देखिए, क्रोध का लाडले बहन, लाडली बहन जो जिद बोलते हैं, वैसे संस्कार हम में है या नहीं सूक्ष्म में देखो। कभी कभी इतना आडोमेंट हो जाता है, कहीं व्यवहार में किसी ने कुछ एक बोला, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम समझते अगर मैं एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरी बारी भी वो वैसे ही करेगा। इसको हम फ्यूचर का क्या होता है, इनसिक्योरिटी फीलिंग होने के कारण, असुरक्षा का भाव होने के कारण हम मानते नहीं। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं जो बोलता हूँ, नहीं नहीं मेरे जैसे ही होना, नहीं नहीं मैं जो कहता हूँ वही करना है। इसका मतलब कौन सा संस्कार, भले वो मुंह से नहीं बोलते, मुख से कुछ बोलते नहीं, लेकिन अंदर का क्या भाव ग्रहण करके रखा है, जिद के भाव, एक जिद्दी संस्कार। हम आत्मा को उड़ने नहीं देते हैं, खुशी में जाने नहीं देते।